Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to share with you a new cue card and that is Describe your experience when you changed your school or college. You have experience share your experience when you changed your school or college. And you should say, why did you change your school? और uh, कॉलेज क्यों आपने अपना स्कूल या कॉलेज चेंज किया वेन वॉज इट कब किया दैट हेल्पफुल क्या आपके लिए वो फायदेमंद हुआ और वट वर द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर दैट और उसका परिणाम उसके रिजल्ट क्या निकले स्कूल को चेंज करने के आपकर क्या क्या असर हुआ उस चीज़ का स्कूल को चेंज करने का तो दिम्पल आंसर इज चेंजिंग अ स्कूल इज रियली हार्ड नट टू क्रैक A hard nut to crack is an idiom which means a difficult situation to deal with. School change करना काफ़ी ज़्यादा difficult है क्यों Because we have to migrate to unfamiliar place and people. क्योंकि हमें migrate करना पड़ता है school को change करके unfamiliar लोगों में unfamiliar place पर जाना पड़ता है I only had to change school. Uh, I also had to change school when I completed my tenth grade. मुझे भी school change करना पड़ा जब मैंने टेंथ ग्रेड अपनी कंप्लीट कर ली बिकॉज दैट स्कूल वॉज ओनली अप टू मैट्रिकुलेशन क्योंकि वो स्कूल जस्ट टेंथ क्लास तक ही था सो फॉर माई सीनियर सेकेंडरी आई गॉट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल इसी लिए सीनियर सेकेंडरी के लिए मैंने न्यू स्कूल में एडमिशन ली एंड दैट वॉज ऑलमोस्ट फोर्टी मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम टाउन और वो स्कूल जो न्यू स्कूल है था वो फोर्टी मिनट्स की दूरी पर था मेरे होम टाउन से सो हेयर हैव गिवन द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्यू व्हाई डिड यू चेंज योर स्कूल क्यों चेंज किया क्योंकि जो पहले वाला स्कूल था वो जस्ट मैट्रिकुलेशन तक ही था इट हैपन ऑलमोस्ट फोर इयर्स अगो हमारा नेक्स्ट क्यू जो जो है वो है कि कब ये हुआ तो ये ऑलमोस्ट फोर इयर्स पहले हुआ एट द टाइम माई पेरेंट्स सर्च अ लॉट अबाउट अबाउट गुड स्कूल फॉर मी उस टाइम पर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया एक अच्छे स्कूल के लिए एंड देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माई अंकल दे सेलेक्टेड द स्कूल नेम डिटैश तो मेरे अंकल uh, की रिकमेंडेशन पर एट द लास्ट उन्होंने स्कूल एक सेलेक्ट किया और उसका नेम जो अपने अपनी ओर से आप लिख लेना जो भी आप लोगों ने न्यू स्कूल चेंज किया होगा नो वन फ्राम माई फ्रेंड्स ज्वाइन दैट स्कूल विद मी और किसी ने भी मेरे फ्रेंड्स में से मेरे साथ वो स्कूल ज्वाइन नहीं किया ऑन द फर्स्ट डे आई वॉज रियर नर्वस फर्स्ट डे पर मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था बट विद द पासिस ऑफ टाइम स्टूडेंट्स ओवर देयर स्टार्ट टॉकिंग विद मी एंड आई स्टार्ट फीलिंग कम्फर्टेबल मगर जैसे टाइम बीतता गया वहाँ पर जो बच्चे थे उन्होंने मेरे साथ बातें करनी स्टार्ट कर दी और मैंने वहाँ पर कंफर्टेबल फ़ील करना स्टार्ट कर दिया And the next cue is कि uh, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ जो आपने स्कूल चेंज किया सो सुधन सर ज्वाइनिंग न्यू स्कूल वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरे लिए ऑल दो द न्यू स्कूल वॉज़ फार अवे फ्रॉम माई होम टाउन चाहे जो मेरा न्यू स्कूल था वो काफ़ी दूर था मेरे होम टाउन से एट इट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ़ फैसिलिटीज़ मगर फिर भी इसने मुझको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की देर वर सेपरेट लैब्स फॉर फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वहाँ पर वहाँ पर सेपरेट लैब्स थी फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री के लिए बायोलॉजी के लिए लाइब्रेरी इन स्कूल वाज़ आल्सो वेरी ह्यूज़ वहाँ पर लाइब्रेरी जो थी वो भी काफ़ी बड़ी थी इफ़ एनी वन वॉज़ अनेबल टू बाई द बुक्स ड्यू टू फैमिली कंडीशन अगर कोई पर्सन जो है वो अनेबल था न्यू बुक्स लेने के लिए फैमिली कंडीशंस की वजह से ही कैन बोरो द बुक्स फ्राम लाइब्रेरी तो वो पर्सन क्या कर सकता था बो कर सकता था बुक्स को लाइब्रेरी से टीचर्स वर वेल एजुकेटेड एंड दे गो एट द लेवल स्टूडेंट्स टू टीच दैम टीचर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे वो बच्चे के लेवल तक जाते थे उसको पढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वल्सो देअर इन माई न्यू स्कूल मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी एंड आई वॉज द प्लेयर ऑफ़ बेसबॉल मैं बेसबॉल का प्लेयर था सो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी सो इसी लिए वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ क्योंकि वहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटीज़ फैसिलिटीज़ मुझको मिली इसीलिए वो स्कूल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ और उसका रिजल्ट क्या निकला सेलेक्टिंग अ न्यू स्कूल वॉज रियली अ गुड डिसीज़न टेकन बाय माई पेरेंट्स एक न्यू स्कूल को सिलेक्ट करना और अच्छे स्कूल को सिलेक्ट करना मेरे पेरेंट्स के द्वारा काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया आई स्पेंड टू ईयर्स ओवर देयर मैंने वहाँ पर अपने लाइफ के टू ईयर्स स्पेंड किए आई लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यू थिंग्स सीखी एंड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लिए दैट हाउ टू डील विद द हार्श सिचुएशन इन लाइफ की कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में लाइफ में डील करना है ड्यू टू द

रीट नाउ सो द फॉलो अप क्वेश्चन फॉर दिस क्यू कैड आर आर चिल्ड्रेन बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम क्या चिल्ड्रेन ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं अडल्ट से सो द आंसर इज नो अडल्ट कैन सोल्व प्रॉब्लम इजली दैन चिल्ड्रेन अडल्ट अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं चिल्ड्रेन के बजाय बिकॉज चिल्ड्रेन आर इमच्योर एंड दे डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बच्चे पहले तो मच्योर नहीं होते और उनको एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का whereas with the age adults learn how to live in the society and how to treat the people iske, uh, iske uh, opposite mein, jo adults hote hai, unko hota hai how to live in the society society mein kaise treat karna hai logo ko. and the second question is what are the pros and cons of living in a high rise building uh, high rise building mein rehne ke nuksan batane hai. and the answer is the benefits of living in a high rise building is that पीपल कैन इंजॉय अमेजिंग व्यू एंड पीसफुल लाइफ ड्यू टू लास्ट नॉइस कि हाई राइज बिल्डिंग में लोग एक तो काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते हैं और पीसफुल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लास नॉइस की वजह से इट प्रोवाइड बेटर डे लाइटिंग एंड ग्रेटर ग्रेटर फ्लो ऑफ एयर काफ़ी अच्छा फ्लो होता है एयर का लाइटिंग अच्छी होती है वेयर आज दीज बिल्डिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू रिपेयर एंड मेंटेन एंड शिफ्टिंग इज ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट इन दीज बिल्डिंग्स और इसके अपोजिशन में इन बिल्डिंग्स को रिपेयर करना शिफ्ट करना और मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है हाई राइज बिल्डिंग को आ, में ये सब काम करना डिफिकल्ट है सो दीज आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन हाई राइज बिल्डिंग्स एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग एंड इन एंड ओल्ड एंड न्यू नेबरहूड ओल्ड एंड न्यू नेबरहुड में रहने के फ़ायदे नुकसान बताने हैं एंड द आंसर इज इन द ओल्ड नेबरहूड पीपल हैव मोर फेसिलिटीज नो मोर फ्रेंड्स मोर फ्रेंड होते हैं स्टेबिलिटी होती है सिक्योरिटी होती है दे नो इट्स वेरी वेल दैट वट काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग इन देयर सराउ इन देयर सराउंडिंग उनको ये अच्छे से पता होता है कि उनकी सराउंडिंग में किस तरह के लोग रह रहे हैं वेयर इज इन द न्यू नेबरहुड पीपल हैव न्यू फ एंड फैसिलिटीज न्यू नेबरहुड में पीपल के पास नई अपरचुनिटीज नई फैसिलिटीज़ होती हैं सो आवर सैम्पल आंसर इज़ कंप्लीट नाउ आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू लाइक एंड यू वांट दैट आई विल मेक द वीडियो ऑन एनी न्यू क्यू कार्ड सो प्लीज़ कॉमेंट ब्लो एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू